यूट्यूब से ही वीडियो काटते हैं। था बता रहा हूँ तो ये है डॉक्टर बालाजी जो एक डेंटिस्ट है। महाराष्ट्र के पुणे में इनकी डेंटल क्लिनिक है। कोरोना के चलते डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। ये इन्होंने पीपीई सूट अप कर लिया है। पैरों की तरफ देखें तो अपने फ्लोटर्स पहने इनके फीट इन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखे पॉलिथीन प्लास्टिक शू कवर से। ये शू कवर वन टाइम यूज डिस्पोजेबल कवर होते हैं। पेशेंट को छूने से पहले स्टराइल सर्जिकल ग्लव्स की दो पेयर, जी हाँ दो पेयर, एक के ऊपर एक रिस्ट को कवर करते हुए प्रॉपर फिटिंग के साथ पहननी पड़ती है। डॉक्टर साहब ने ये जो सूट पहना है वह एक रीयूजेबल प्रोटेक्टिव सूट है। पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाने के बाद इस सूट को ऑटोक्लेव में टोटली स्टराइल करके रीयूज करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यकीन मानो ये सूट पहनना और इसे उतारना दोनों भी टीडियस टास्क होता है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर सर्जन ने सूट एक बार चढ़ा लिया ना बॉस, तो जब तक उसे उतारा नहीं जाता तब तक खाना पीना या वॉशरूम जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। सारे डेंटिस्ट इन दिनों किसी भी किस्म की ड्रिलिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हर बार टूथ ड्रिलिंग करते वक्त उस पेशेंट का स्पूटम बहुत तेज़ रफ्तार से आउट ऑफ माउथ स्प्रिंकल होते रहता है। और अब तक आप जान ही चुके हो कि कोरोना स्पूटम ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्ट करने वाली बीमारी है, तो इसीलिए किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो इन दिनों क्लिनिक में परफॉर्म नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट स्टाफ को भी पेशेंट के मुंह में सक्शन करने नहीं दे रहे हैं। माउथ के नज़दीक जितनी भी सारी प्रोसीजर्स है वो खुद डॉक्टर साहब परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कि हर एक पेशेंट की थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमेट्री की जा रही है। इस मॉनिटरिंग में अगर पेशेंट को हाई टेम्परेचर डायग्नोस होता है या फिर उसका SpO2 लेवल बिलो 93 पाया जाता है तो उस पेशेंट की सर्जरी तो होती ही नहीं, बल्कि उसे सीधा भेजा जाता है नज़दीकी कोविड फ्लू सेंटर पे, जहाँ पे उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं कोविड रिलेटेड। पेशेंट की स्पूटम से बचने के लिए यहाँ पे डॉक्टर ने सबसे पहले तो N95 मास्क पहना है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा श्योर होते हुए 3-ply सर्जिकल मास्क भी पहना है। अपने पूरे फेस को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने स्टड्स किए फेस शील्ड पहनी है। उनके असिस्टेंट का फेस भी ऐसे ही एक फेस शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया है। इस ओवर द टॉप प्रोटेक्टिव शील्ड से इन्फेक्शन की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिना रश किए पूरा टाइम लेके सर्जरी करनी होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकती है। डॉक्टर हर स्टेप को मल्टीपल टाइम्स वेरीफाई करते हुए फुल्ली अश्योर्ड रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता बॉस। इवन मुझे भी अंदर आने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने डोर से शूट करने की परमिशन दी। इसलिए मैं डोर के बाहर से जूम लेंस की मदद से जितना हो सके आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने कैमरा को भी अल्कोहल वाइप से सैनिटाइज करते वक्त मेरी हालत ख़राब हो रही थी। आफ्टर ऑल कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हर एक यूट्यूब क्रिएटर की जान उसके कैमरे में अटकी हुई रहती है। डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पे पेशेंट का एक्सरे ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देख पा रहे हो तो पसीने से उनके सूट के हुड में हल्की सी नमी क्रिएट हुई है। बाहर से बहुत ही कूल दिखने वाला ये सूट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पहनना ये कितना मुश्किल टास्क है, आप समझ चुके रहेंगे इसे देखकर। ट्रीटमेंट ख़त्म होने पे जैसे ही पेशेंट चला जाता है, सबसे पहला टास्क सारा क्लिनिक क्लीन, हाइजीनिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्ट करना होता है। यह टास्क भी ट्रीटमेंट के जितना ही सेंसिटिव होता है। वो हर एक चीज़ जिसे छुआ गया है उसे मेडिकेटेड डिसइंफेक्टेंट और वाइप्स की मदद से डिसइंफेक्ट करना कंपलसरी होता है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी के साथ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, स्टेशनरी मटेरियल और कंसल्टिंग टेबल को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, और इस डिसइंफेक्शन के लिए टेस्टेड एंड मेडिकली अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट ही यूज किए जाते हैं। पेशेंट की वेटिंग रूम भी सैनिटाइज की जाती है और इस प्रोसेस में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। कोरोना के वजह से ये एक्स्ट्रा केयर हर एक डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क बन चुकी है,
बट फिलहाल हाइजीन को लेकर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही सरफेस डिसइंफेक्शन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक और डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है फ्रेशली। इस सॉल्यूशन से सारे क्लिनिक के फ्लोर पर क्लीनिंग की जाती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक WHO अप्रूव्ड और ग्लोबली बहुत ही बड़े स्केल पे यूज़ किया जाने वाला एक डिसइंफेक्टेंट है जो कि एक ट्रेडिशनल डिसइंफेक्टेंट है और इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ। ये वीडियो खत्म होते ही वो वीडियो भी देख लेना, बहुत अच्छी बनी है, आपके बहुत काम की है। बाय द वे डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से अपने क्लिनिक को मेंटेन रखा है। वेटिंग रूम में पेशेंट्स के रिलेटिव्स के लिए एक TV और कुछ इन्फॉर्मेटिव पिक्टोरियल्स डिस्प्ले किए गए हैं। सारा क्लिनिक CCTV कैमरे के सर्विलेंस में रखा गया है और ये सारा कनेक्ट है सीधे वाईफाई से, तो डॉक्टर साहब घर बैठे भी अपने क्लिनिक को मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए पेशेंट्स को भी फ्री वाईफाई का एक्सेस दिया गया है। लिक्विड डिसइंफेक्टेंट से सारे सरफेसेस तो डिसइंफेक्ट हो गए, लेकिन जो एनवायरनमेंट में फ्लोट हो रहे उन जर्म्स का क्या? तो उन जर्म्स को किल करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे फिर से एक बार गैस फ्यूमिगेशन किया जाता है पूरे क्लिनिक में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय।